हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये ग्रामर का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, टू इन्फिनिटिव वर्सेस बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव क्या होता है और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? इफ़ टू इज़ प्रेजेंट बिफोर एनी वर्ब दैट इट इज़ कॉल्ड टू इन्फिनिटिव। जिस जब किसी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो उसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ही वॉन्ट्स टू टीच मी, तो टू टीच, टीच से पहले टू आ गया तो उसको बोलेंगे टू इन्फिनिटिव। ही यूजेस हिज नेल्स टू मेक, टू मेक आ गया तो उसको बोलेंगे टू इन्फिनिटिव। मतलब किसी मेन वर्ड से पहले जब टू आ जाता है तो उसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। इफ टू इज़ नॉट प्रेजेंट बिफोर एनी वर्ब देन इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव कब होता है ये समझते हैं। जब किसी वर्ब से पहले टू नहीं होता है तो उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है ही कैन डू, ये डू है। ठीक है, तो ये डू है, डू से पहले कोई टू नहीं आया है तो ये हो गया बेयर इन्फिनिटिव। ही विल कम, ये वर्ब की पहली फॉर्म है और इससे पहले टू नहीं आया है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, बेयर इन्फिनिटिव। देयर आर सम वर्ब्स दैट टेक बेयर इन्फिनिटिव इन स्टीड ऑफ टू इन्फिनिटिव। कुछ वर्ब होती हैं वो बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं, ना कि टू इन्फिनिटिव लेती हैं डायरेक्टली। तो ये हमारी हर बार एग्जाम में आती हैं। तो मैंने लिखा है सी, ऑब्जर्व, वॉच, नोटिस, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव ले सकती हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल ले सकती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे प्ले, प्ले वर्ब का पहला रूप हो गया प्लेइंग, बी फोर हो गया, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आई एम। तो हियर, लिसन, फील, स्मेल, इनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया प्लस बेयर इन्फिनिटिव आया, इनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आ सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है। लेकिन मेक, लेट, बिड, हेल्प, नो, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो केवल बेयर इन्फिनिटिव आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद नहीं आएगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो जब कभी भी आपको ये 13 वर्बों से कोई दिखे, इसको हम 13 का टेबल बोलते हैं, कोई भी दिखे तो आप अलर्ट हो जाओ कि इनके बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, विथ हेल्प, हेल्प के साथ हम टू इन्फिनिटिव भी ला सकते हैं और बेयर इन्फिनिटिव भी ला सकते हैं। तो इन पर बहुत सारी एरर बनती हैं, हर बार हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एरर आती रहती है। इन्जॉय अपने बाद वर्ब का फोर फॉर्म लेता है, एज फॉर्म लेता है, उसको जेरंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है मैंने लीजा वेंट आउट टू हेल्प हर, देखो हेल्प आ गया यहाँ पर, हेल्प, तो हेल्प ने यहाँ पर कैरी लिया है, तो हेल्प ने यहाँ पर क्या ले लिया, बेयर इन्फिनिटिव ले लिया, इसका मतलब हेल्प बेयर इन्फिनिटिव भी ले लेता है। ओके ओके, ये क्वेश्चन आया है सीपीओ की 2019 का पेपर में आया था, उसमें उसी में आया था ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आई इन्जॉय, इन्जॉय मैंने अभी ऊपर बताया है, इन्जॉय अपने क्या लेता है, जेरंड लेता है या बी फोर लेता है, इसने ले लिया टू इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो गया गलत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा सही, वॉच डे ले नहीं सकता, सब ये तो हटेगा ही, वॉच डे भी गलत हो गया, तो इसका मतलब ये सही गलत हो गया। इन्जॉय अपने मत क्या लेता है, वी फोर, आपको याद रखना है, जब भी ये वर्ब देखें तो आप अलर्ट हो जाया करो, इनके ये एरर बनती है और कोई एरर नहीं बनती इनकी। जैसे कि अब ये आ गया वी वॉचड द वर्कमैन टू रिपेयर, मैंने क्या बताया था, वॉच के बाद आ गया ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव, तो इसके क्या आ जाएगा टू। ठीक है, तो रिपेयर बिल्कुल सही रहेगा, तो इसका कौन से पार्ट अलर्ट हो जाएगी, बी वाले में, ये भी इसी साल का आया हुआ पेपर है सीपीओ 2019 का। ये भी जनरली क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया है द प्राइसेस ऑफ टमाटोज है स्कोर्ड अप टू रुपीज़, इतने 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 इतने, क्या क्या एरर है इसमें। तो इसमें एरर सिंपल सी है, अगर आप देखते हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, वैसे इसके पहले पार्ट में एरर है, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि टमाटो यानी कि टमाटरों की कीमतें नहीं होगी, क्या होगी, टमाटर की एक ही कीमत होगी, तो प्राइसेस नहीं होगा, क्या होगा, प्राइस, इसकी अब क्या होगा, प्राइस, क्योंकि टमाटरों की कीमतें नहीं होगी, क्या होगा, कीमत। तो आप यहाँ पर
हैज़ को हैव करने की गलती ना करना कि प्राइसेस प्लूरल है तो इसको आपको नहीं, क्योंकि टमाटरों की कीमत होगी ना कि कीमतें। ओके तो ये 13 13 का पहाड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, इसको आप याद कर लो। सी ऑब्जर्व वॉच नोटिस, और इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इनके बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? इन्फिनिटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि आई वॉच हिम डांसिंग, तो आई वॉच हिम डांसिंग आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी तरह आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, सबको आप याद कर लो ना। और आप ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ब हैं, सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है? और आने वाली वीडियो मिलते हैं, प्लीज़ जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। मैं SSC के रिगार्डिंग सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।